हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूपी के जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों ने अब तक अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चंस करके देखिए, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ओके दोस्तों, पहले मैं ये बोलूँगा कि जो लोग भी आर ओ आर ओ की परीक्षा दे रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट यूपीपीएससी आर ओ आर ओ और यूपीपीएससी स्टडी सर्किल। ओके, और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? ओके, तो इनमें सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ पर होगी? मथुरा के अंदर। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? ये लिखा गलत है, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। ओके, तो ये कानपुर में स्थित है। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चुना गया है? ओके, तो ये जगमोहन यादव जी को उत्तर प्रदेश का महानिदेशक चुना गया है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? ओके, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, तराई क्षेत्र में। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? ये उल्टहवा थारू जनजाति की एक उपजाति है, इनका मुख्य भोजन चावल है। तो ये भी सही है, इनका मुख्य भोजन चावल भी सही है, और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, ये भी सही है। तो इसके तीनों पार्ट सही हैं, तो आंसर होगा डी पार्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? ये दिया जाता है विधवा विवाह के अवसर पर। ओके, लठ भरवा भोज। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? तो इसका आंसर है लखीमपुर में। ठीक है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई जाने वाली मदिरा को क्या कहा जाता है? ओके, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है जाड़। ओके, नाइन्थ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? ठीक है, तो इसका आंसर है सी पार्ट, थारू जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है यूपी में। 10वां क्वेश्चन है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ओके, कर्मा नृत्य संबंधित है खरवार जनजाति से। निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? ओके, तो इसका आंसर है बी पार्ट, बनरावत जनजाति। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर है सी पार्ट, सोनभद्र में। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? इसका आंसर है बी पार्ट, माहीगीर जनजाति। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? इसका आंसर है बी पार्ट, थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं के जैसा है? ठीक है, तो इसका आंसर है बुक्सा जनजाति, ए पार्ट। देन राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? इसका आंसर है डी पार्ट, ललितपुर में। कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? ओके, तो इसका आंसर है डी पार्ट, माहीगीर। माहीगीर जनजाति है जो ये बिजनौर जिले में रहती है। राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो जौनसारी जनजाति है, ये लोग पूजा करते हैं दुर्गा की। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो भोटिया जनजाति निवास करती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में। कौन से निवास करती है? थारू जनजाति। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? ओके, इसका आंसर है बी पार्ट, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है बनरावत जनजाति। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है? इसका आंसर कौन सा होगा? लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति का। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 0.06%। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? मोस्टली सबको पता होगा, इसका आंसर है बी पार्ट, प्रयागराज। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो देव छठ का जो मेला है वो लगता है दाऊ जी में, मथुरा के निकट।
उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? आंसर है बी पार्ट, कानपुर। 27th क्वेश्चन है, राज्य में देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है? देवा शरीफ स्थित है बाराबंकी के अंदर। ओके, बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बागों का शहर ये जाना जाता है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर है आगरा, डी पार्ट। राज्य में कहां पर नेमिषारण्य स्थित है? राज्य में कहां पर नेमिषारण्य स्थित है? तो ये स्थित है सीतापुर के अंदर। 31st क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कहां पर है? यह है कौशाम्बी में, दोनों लोग दोनों धर्मों का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 32 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नव पाषाणीपुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ये हमने प्राचीन हिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किया है, कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी किस शैली में? मथुरा कला शैली के अंदर। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? हर्षवर्धन से इसका संबंध है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त होते हैं? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति मेरठ व सहारनपुर से। गुप्त कालीन दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ है? ये हुआ देवगढ़ में। ठीक है, 36 का डी पार्ट। 37 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया, कुशीनगर, उपरोक्त सभी की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था कहां से? कालसी से। 39 देखेंगे, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? तो ये आंसर है इलाहाबाद में। देन 41, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1942 में, चित्तू पांडे के द्वारा। 42 क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वह पार्क जहां चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे? सभी को पता होगा इसका आंसर, अल्फ्रेड पार्क। ओके, ए पार्ट। 43, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1887 में, डी पार्ट इज द राइट आंसर। राज्य में काशी विद्यापीठ कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी पार्ट, 1921 में। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो 1921 के आसपास कौन सा चल रहा था? असहयोग आंदोलन, डी पार्ट। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ये बता चुका हूं मैं, इसका आंसर है मध्य देश। 47, निम्न में से किस को वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है? आज के टाइम में सिद्धार्थनगर जो शहर है उसका प्राचीन नाम क्या है? कपिल वस्तु। 48, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? ये है राजापुर में। ठीक है, राजापुर में हुआ था इनका जन्म। 49 देखेंगे, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था सीही में, मथुरा। ठीक है, सीही में। 50वां प्रश्न देखेंगे, 1550 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अबुल फजल का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था आगरा में, सी पार्ट, आगरा में। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आई थिंक दो तीन वीडियो और लगेंगे जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में 100 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, तो ऐसे करके 300 करीब 300-400 प्रश्न है, तो आज कल मैं उसको मैं पूरा अपलोड कर दूंगा। आप जरूर से ये यूपी का जीके देख के जाना, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप वीडियो को सेव भी करना चाहते हैं जिससे कि बाद में देख सकें, तो लाइव कर लिए आप इसको, लाइक कर दीजिएगा तो लाइक वीडियोस में सेव रहेगा, शेयर भी कर सकते हो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मैं आप लोगों को ऐसे यूजफुल डेटा प्रोवाइड कराता रहूंगा यूपीपीएससी की परीक्षाओं से संबंधित आगे भी। ठीक है, और ये जो ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी RO ARO, ये इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके आप इस पे आपको RO ARO के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो मिलेगी, उसमें 5-6 टेस्ट अपलोड किए हैं, आप सारे टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो। और इसके अलावा यूपीपीएससी स्टडी सर्किल,
ये यूपीपीसीएस पीसीएस के जो बाकी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए है, आप इसको भी ज्वाइन करिएगा। और इसके बाद अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, भले एक आध दिन लेट हो सकता है बस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।